फ्रेंड्स, मैं आपकी एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ न्यूटन मेंडल क्लासेस में। और हम अपने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ते आ रहे हैं, कैपेसिटर के बारे में। और कैपेसिटर हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो, कैपेसिटर में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर हमारे पास वो डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर क्या होता है? हमारे पास वो डिवाइस होता है जो कि हमारे पास चार्ज को स्टोर करके रखता है। और कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर किया जाता है वो उसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। आज हम ये निकालेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। आज हम क्या निकालेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सकता है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखो, हमने क्या निकाला सबसे पहले कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है? जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर क्या होता है? जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। और कितना उसके अंदर चार्ज स्टोर है वो उसकी क्या होती है? कैपेसिटी। तो आज हम ये निकालेंगे कि उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रखा जाता है। तो देखो, मैंने क्या बताया था, सबसे कॉमन कैपेसिटर कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज कब तक देना है? जब तक इसका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, मैक्सिमम। ये कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। इंडक्शन की वजह से इसमें कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, उसको हमने क्या कर दिया? अर्थिंग। अगर किसी बच्चे ने कैपेसिटर का प्रिंसिपल नहीं समझा तो वो पहले वाली वीडियो में जाके पहले वो समझे, ठीक है। तो देखो, अपने पास क्या हो गया, एनर्जी स्टोर निकालना है। हमारे पास पहली प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। पहली प्लेट पे चार्ज क्या है हमारा? प्लस क्यू। और दूसरी प्लेट पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू। हमें निकालना है कि इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। देखो, एनर्जी मतलब एक तरीके से कितना वर्क डन हो रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है। हमें पता है फॉर्मूला, ध्यान से सुना बच्चों। V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। W इज द एनर्जी स्टोर्ड, चाहे आप यू लिख लो। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू क्यू। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लगा लेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर की जाती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटू डी क्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटू डी क्यू। सबको फॉर्मूला पता है, डी डब्ल्यू, वी क्या हो गया हमारे पास? क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। क्यू बाई सी क्यों लिखा? क्योंकि वी की जगह क्या लिखा जाता है? क्यू बाई सी। कहां से चार्ज स्टार्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है? जीरो से स्टार्ट होता है। इसका फाइनल पॉइंट क्या हमारे पास? क्यू चार्ज है। तो आप लिमिट कहां से करेंगे? जीरो से डब्ल्यू डी डब्ल्यू, जीरो से कैपिटल क्यू, वन बाई सी ले लो कॉमन, क्यू इंटू डी क्यू। शायद इंटीग्रेशन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस टू क्लास में डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? डब्ल्यू। फिर मैं धीरे बताऊंगी। और यहाँ पे इसका लिमिट क्या होगी? जीरो टू डब्ल्यू। ये क्या हो गया अपना? वन बाई सी। चार्ज का इंटीग्रेशन देखो बच्चों, क्यू की पावर कितनी है? वन। इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक इसमें ऐड कर दो, एज इट इज नीचे लिख दो, तो क्या बन जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? क्यू स्क्वायर बाई टू। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? जीरो से क्यू। ये तो क्या हो गया? डब्ल्यू माइनस जीरो इज इक्वल टू वन बाई सी। इसे पुट करो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और ये कितना हो गया? माइनस जीरो। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? वन अपॉन टू सी क्यू स्क्वायर। देखो, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी स्टोर निकालना है कैपेसिटर में। कैपेसिटर का काम था चार्ज को स्टोर करके रखने का। कैपेसिटर का काम हमारे पास क्या था? चार्ज को स्टोर करके रखने का। कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर होता है वो उसकी क्या होती है? कैपेसिटी। आज हमें कैलकुलेट करनी है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू क्यू। हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। V की जगह रखा Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। वन अपॉन सी क्या ले लिया हमने बाहर, इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? जीरो से क्यू। क्यू का इंटीग्रेशन क्या हुआ? क्यू स्क्वायर अपॉन में टू। आपने लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रिजल्ट आ गया। अब एक चीज और ध्यान से देखो, ये क्या हुआ? वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अगर मैं क्यू की जगह सी वी रख दू, क्यू की जगह क्या रख दे? सी वी। तो सी से सी कैंसिल हो गया, एक रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? वन बाई टू सी वी स्क्वायर। एक रिजल्ट क्या है? वन बाई टू सी वी स्क्वायर। मतलब अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर का हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। एक बार हमने क्यू की जगह क्या रख दिया? सी वी। अब इसको चेंज करना चाहो तो देखो कैसे चेंज कर सकते हो। हमारे पास मान लो अब की बार हमने क्यू की वैल्यू रखी, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास यह है वन बाई टू सी वी स्क्वायर। वन बाई टू सी, वी को क्या लिख सकते हो? सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन वी। तो वी को क्या लिख सकते हो आप लोग? क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखो वो क्या रिजल्ट आया, वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। मतलब आप इसको चेंज, ये सेम रिजल्ट आ गया। जिसको आप जैसे भी चेंज करोगे ना, आपके पास ये सारे सेम रिजल्ट आएंगे। और ये हमारे पास क्या होता है? एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। क्यू इज इक्वल टू आया, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू आया वन बाई टू सी वी स्क्वायर। सी वी स्क्वायर मतलब सी वी इंटू वी हो गया ना अपने पास।
1/2 सीवी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी। तो ये हमारा क्या आ गया वर्क डन, जो कि कितना आया 1/2 qv। तो वर्क डन की तीन फॉर्मूले आ गए एनर्जी के, एक तो 1/2 q² / c, एक 1/2 cv², तो सेम कैलकुलेट कर दिया था, एक 1/2 qv। हमारे पास आज हमें निकालना था कि एनर्जी स्टोर कितनी होती है किसी कैपेसिटर में। हमने सबसे पहले क्या निकाला कि हमारे पास एनर्जी स्टोर या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये हमारे पास क्या होता है, dw = v × dq। आपने क्या किया, सबसे पहले इसमें v की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू कितनी है q/c, इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन, q का इंटीग्रेशन क्या हुआ q² / 2, लिमिट पुट की, अपने पास रिजल्ट क्या आया 1/2 q² / c, यहाँ पे q की जगह रखा cv², कैंसिल हो गया, एक रिजल्ट क्या बना 1/2 cv², और इसमें पुट किया तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया 1/2 qv। ये अपने पास क्या है एनर्जी स्टोर है। आपको याद रखना है एनर्जी स्टोर के तीन फॉर्मूले कैलकुलेट के, फर्स्ट वन इज ½ qv² / c, सेकंड वन इज ½ cv² एंड थर्ड वन इज 1/2 qv। ये हमारी क्या थी एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, एक बार इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक बार इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप लोगों को याद होगा कल हमने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, c1 + c2 + c3। अब एनर्जी स्टोर निकालेंगे एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे किसी कैपेसिटर में कितनी स्टोर होती है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम लोग क्या निकालेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। आप देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कॉम्बिनेशन हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक तो हमारे पास क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक हमारे पास कौन सा आएगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमारे पास दो टाइप का आएगा, एक तो हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारा कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला कि u = क्या होता है 1/2 q² / c, एक हमने फॉर्मूला निकाला u = 1/2 cv². अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम आपको कैसे पता कि सीरीज में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास क्या सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ चार्ज का फॉर्मूला यूज किया। और पैरेलल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, पोटेंशियल वाला। अब देखो सीरीज में सेम क्या होता है, चार्ज। तो u = 1/2 टोटल एनर्जी ना, u1 + u2। देखो सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे, ये तो अपने पास रिजल्ट दिखा मैंने लास्ट रिजल्ट, पहले के लिए क्या हो गया c1, दूसरी ये तो u1 होगी, ऐसे हमारे पास u2 क्या हो जाएगी 1/2 q² / c2, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, u1 + u2 कहां तक कंबाइन करनी है, एंड तक u1 की वैल्यू क्या होगी 1/2 q² / c1, u2 की वैल्यू क्या होगी 1/2 q² / c2, ऐसे चलता जाएगा। अपने पास क्या बना 1/2 q² ले लो कॉमन, तो क्या बना 1/c1 + 1/c2 + 1/c1। ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई किसमें आई, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप देखो किसके लिए आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, u = 1/2 cv², क्या फॉर्मूला है, u = 1/2 cv². अब आप सोचोगे मैम ये फॉर्मूला क्यों लिखा, तो भाई देखो अपने पास हमारे पास इसमें पैरेलल में सेम क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, फर्स्ट के लिए क्या हो गया 1/2 c1 v², सेकंड के लिए क्या हो गया 1/2 c2 v², ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, u = u1 + u2 कहां तक हो गया, un तक, 1/2 v² ले लो कॉमन, क्या बन गया c1 + c2 + c3, और कहां तक हो गया हमारा cn तक। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर आई एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, एनर्जी स्टोर निकाला। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, 1/2 q² / c, सेकंड वन इज 1/2 cv। ऐसे ही हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, u = 1/2 q² / c, पैरेलल के लिए क्या होता है 1/2। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है, यहाँ पे फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या सेम है, हमारा पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे चार्ज सेम था तो चार्ज कॉमन लिया 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 एंड सो, और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो 1/2 v² c1 + c2 + cn। अब हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अब हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप क्या निकालेंगे, हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं यू से। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली, हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आप लोग याद करें कि अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी थी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप लोगों को याद होगा मैंने रिजल्ट करवाया था, सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हमारा क्या हो गया वी स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस। अब अपने पास v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू डी, यही लिख दो। v की जगह क्या लिख सकते हैं, e इंटू डी। तो ये क्या बन गया, e d का होल स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे कैंसिल वगैरह करके तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 by 2 epsilon naught e square। क्या रिजल्ट आएगा, 1 by 2 epsilon naught e square। देखो आज हमने बिल्कुल छोटी छोटी बातें पढ़ी है, ज्यादा लेंदी कुछ पढ़ा नहीं हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो हमने पास एनर्जी स्टोर निकाली किसी भी कैपेसिटर में, आपको सिंपली क्या याद रखना है, अपने पास एक कैपेसिटर ड्रॉ करो, हमारे पास पोटेंशियल कितना होता है, क्यू बाई सी। वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन करो। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। उसके बाद हमने उस एनर्जी को किसमें निकाला, सीरीज में, और एक बार किसमें निकाला, पैरेलल में। अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी हमने कितनी निकाली, हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, एरिया इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे सी की वैल्यू पुट की, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वी की जगह क्या लिखा, ए इंटू डी। याद हमने किया था दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ए इंटू डी और एरिया इंटू डी। ये आपने पास वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी। अब एक छोटा सा टॉपिक और करा देती हूँ मैं आपको, कॉमन पोटेंशियल। देखो अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे हम, कॉमन पोटेंशियल। देखो आज बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक थे, ज्यादा लेंथी कोई टॉपिक था ही नहीं। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपके पास दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट में चार्ज की शेयरिंग जब तक होती रहेगी जब तक इनका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, कॉमन नहीं हो जाएगा। हमें वो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। देखो आप ये मान लो कि आपके पास दो प्लेट है, पहली प्लेट पे चार्ज क्या हो गया, सी वन वी वन। दूसरी प्लेट पे चार्ज क्या हो गया, सी टू वी टू। हो गया, अब हम लिखते हैं अपने पास टोटल चार्ज निकालना है बिफोर शेयरिंग। शेयरिंग से पहले बच्चों टोटल चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। क्यू वन की वैल्यू कितनी है, सी वन वी वन। क्यू टू की वैल्यू कितनी है, सी टू वी टू। ये है हमारे पास बिफोर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, शेयरिंग जब तक होती रहेगी जब तक हमारा पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, कॉमन। शेयरिंग कब तक होती रहेगी, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, कॉमन। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वन वी प्लस सी टू वी। इसके नीचे वी वन और वी टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चार्ज की शेयरिंग जब तक होती रहेगी जब तक पोटेंशियल क्या नहीं होगा, कॉमन। यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी वन प्लस सी टू वी। अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, हमारे पास बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग। क्या कहता है, बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग हमारे पास क्या है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू। आफ्टर शेयरिंग क्या है, सी वन प्लस सी टू वी। हमें इस कॉमन पोटेंशियल की तो वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास क्या आ गई, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। ये हमारा क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल। हमने क्या निकाला, कॉमन पोटेंशियल निकाला। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला, कि हमने दो प्लेट ली, एक पे चार्ज कितना है हमारा Q1, एक पे चार्ज कितना है Q2। इस Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V1। इस Q2 की वैल्यू कितनी है, C2V2। अब हमें चार्ज की शेयरिंग जब तक करनी है जब तक इनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, कॉमन। बिफोर शेयरिंग हमारा चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू C1V1, Q2 की वैल्यू C2V2। आफ्टर शेयरिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V। मतलब जब तक शेयरिंग होती रहेगी जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या कहता है, बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग क्या है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू। आफ्टर शेयरिंग क्या है, सी वन प्लस सी टू वी। यहां से हमने क्या निकाला, कॉमन पोटेंशियल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने निकाला एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, फिर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर एनर्जी डेंसिटी, और हमने क्या निकाला, कॉमन पोटेंशियल। आप लोग एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, वन बाई टू
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको टिप्स पे याद रखें। फिर हमने क्या निकाला, कॉमन पोटेंशियल। कल हम निकालेंगे कि जब दो हमारे पास प्लेट होंगी उनमें एनर्जी का लॉस क्या होता है, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ का लेक्चर अच्छे से पढ़ें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ ले। थैंक यू।